का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है और ये हिमालय का 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क है। तो दोनों ही सेम क्वांटिटी में है, 50 ग्राम 50 ग्राम, और दोनों की कॉस्ट भी सेम ही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है, प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो होने वाला का ही फुल डेमो और लाइव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले पील ऑफ मास्क की, कि पील ऑफ मास्क का क्या यूज़ होता है। पील ऑफ मास्क स्पेशली आपकी स्किन को टाइटन रखने में और ब्राइटन रखने में और आपकी स्किन पर जो इम्प्योरिटीज आ गई हैं उनको दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओपन पोर्स है उनको टाइटन करके हमारी स्किन को टाइटन करता है। मास्क मैं ट्राई कर चुकी हूँ, एक है एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क और दूसरा है हिमालय का ऑरेंज पील ऑफ मास्क। तो दोनों ही ऑरेंज से, दोनों में ही ऑरेंज का यूज किया गया है और दोनों ही पील ऑफ मास्क मैं यूज कर चुकी हूँ। तो मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या कॉस्ट है और दोनों का इफेक्ट कैसा रहा। इस प्रोडक्ट फ्रेंड्स आप देख ही पा रहे होंगे, एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मास्क, ये भी बहुत टाइम से चल रहा है और काफी बार मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। और जो इसकी कैप है वो देख पा रहे होंगे, ये गोल्डन कलर की है और ऐसा इसका एकदम शाइनी सा गोल्डन सा लुक है, क्योंकि इसमें जो यूज किया गया है वो ऑरेंज के साथ गोल्डन पेटल्स का भी यूज किया गया है, जो कि इस जो क्लेम करता है कि आपकी जो फेस की स्किन है उसको एकदम शाइनी लुक देगा, एकदम फेशियल लुक देगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है हिमालय का 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क, जिसमें ऑरेंज और हनी का यूज किया गया है। ऑरेंज और जो लेमन, जो भी ये विटामिन सी वाली जो भी चीजें हम अपने फेस पर यूज करते हैं, जैसा कि हम अपने DIYs में भी यूज करते हैं ना, तो आपकी टैन को रिमूव करती हैं, जो आपका स्किन टोन होता है उसको लाइटन करने का काम करती हैं। और हनी है वो आपके फेस को मॉइस्चर करेगा और जो एजिंग इफेक्ट है, जो एजिंग साइन आ गए हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। तो दोनों ही क्लेम करते हैं, ये क्लेम करता है 10 रिमूवल के लिए और ये करता है ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए। को जो इसकी कैप है वो इस तरीके से ग्रीन कलर की है और कंसिस्टेंसी की मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके की दोनों की कंसिस्टेंसी है। मोस्टली जो पील ऑफ मास्क होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी रनिंग ही होती है। इस तरीके से ये जो हिमालय का है इसको इस तरीके से ऊपर फ्लिप, जो इसकी कैप है ईजी है बहुत ही ओपन करने में और ये भी बहुत ही ईजी है। दोनों ही ट्रेवल फ्रेंडली है और आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है उसकी बात करूं तो हिमालय का जो ये पील ऑफ मास्क है ये 75 रुपीज का है और एवरेज का है पील ऑफ मास्क 70 रुपीज का। दोनों में 5 रुपीज का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट दोनों के कॉस्ट सेम है और जो दोनों का जो इफेक्ट है वो हम डेमो में देखेंगे किस तरीके से दोनों का इफेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले मैं एवर यूथ का आपको दिखाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में ये है और आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एकदम इसमें, और इसमें हल्के हल्के से ये गोल्डन कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये ऐड किए गए हैं। तो ये है एवर यूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। और फ्रेंड्स, ये जो सेकंड प्रोडक्ट है हमारा ये है हिमालय का 10 रिमूवल ऑरेंज पील ऑफ मास्क और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे आप, बिल्कुल इसी तरीके से है। ये देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी में है ये, और जो एवरयूथ वाला पील ऑफ मास्क है वो थोड़ा सा थिक है हिमालय का जो 10 रिमूवल पील ऑफ मास्क है उसकी अपेक्षा। और इसकी देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई एकदम जो गोल्डन कलर का कोई लुक नहीं है इसका, और ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का है और इसमें हनी ऐड कराया गया है और ये इस तरीके से है। और जो ये एवरयूथ का है वो देखिए एकदम शाइनी सा एकदम गोल्डन कलर का है। तो दोनों में यही डिफरेंस है और दोनों की कंसिस्टेंसी एक जैसी है, थोड़ा सा जो एवरयूथ वाला है वो थोड़ा सा थिक है हल्का सा और वो थोड़ा सा लिक्विड है जो हिमालय का है। बाकी दोनों सेम ही रेट हैं और सेम ही दोनों की क्वांटिटी है। तो चलते हैं इसे अप्लाई करने की तरफ। मुझे 15 से 20 मिनट
शीट्स हो चुके हैं, इसे अप्लाई किए और ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ से पील कर लूँगी, हल्के बिल्कुल लाइटली इसको धीरे धीरे मुझे निकालना है। तो इस तरीके से पकड़ के मैं हल्के हल्के हाथों से इसे पील तरीके से देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो मैंने पील ऑफ मास्क है हटा लिया है ऊपर से। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक साइड एवरयूथ का लगाया था, एक साइड मैंने हिमालय का पील ऑफ मास्क लगाया था, तो दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया कि मुझे लगाते ही एक तरफ से मेरी बहुत ज़्यादा टैन रिमूवल हो गई या बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पर ग्लो आ गया। जो पील ऑफ मास्क का जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि जो आपकी फेस पर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करते हैं, डीप क्लिनजिंग कर देते हैं, और जो एजिंग इफेक्ट आपकी स्किन पर आ गया है उसको भी ये डिले करते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी पील ऑफ मास्क ले सकते हैं, हिमालय का भी ले सकते हैं और एवरयूथ का भी ले सकते हैं। अगर आपको शाइनिंग चाहिए फेस पर, बहुत ज़्यादा ब्राइटन लुक चाहिए, अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, आपने बहुत टाइम तक कोई केयर नहीं की है फेस की, तो आप ये एवरयूथ का जो पील ऑफ मास्क है इसे लगाएंगे तो एक ही बार में आपको बहुत अच्छा सा ग्लो मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट ग्लो नहीं होगा, आपको इसे फिर अगेन यूज़ करना पड़ेगा। और वीकली ऐसा कि इसमें बताया गया है आप इसे वीकली यूज़ कर सकते हैं या फिर 15 डेज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैन है, टैन रिमूवल के लिए एक बार में तो आपकी इससे टैन रिमूव नहीं होगी जैसा कि क्लेम करता है हिमालय का जो पील ऑफ मास्क है, लेकिन हाँ आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी स्किन पर जो एकदम जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल सी दिखाई दे रही थी वो एकदम से रिमूव हो जाए, डलनेस आपकी स्किन से निकल जाएगी और अच्छा सा आपकी स्किन पर एक लुक दिखाई देगा। डर्ट निकालने में डेफिनेटली आपकी जो स्किन पर बहुत अंदर तक डर्ट चली जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, उनको निकालने में डेफिनेटली ये दोनों वर्क करते हैं। और जो आपकी स्किन पर ऑयल आ गया है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, उसको भी कंट्रोल करने का काम ये डेफिनेटली पील ऑफ मास्क करते हैं। और जिनके जो फेशियल हेयर्स है ना वो थोड़ी थिक लेयर लगाएंगे ताकि जो फेशियल हेयर हैं उनको उतारने में थोड़ा दिक्कत होती है जिनके फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो पील ऑफ मास्क है पूरी तरह से साइडों में हेयर में चिपक जाता है जो उतारते हैं, तो हमें थोड़ा पेनफुल रहता है, तो उन्हें थोड़ी थिक लेयर लगानी चाहिए। और अभी जो मौसम हो रहा है, जो बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा है, तो ये इजीली सूखता भी नहीं है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, 20 से 30 मिनट भी लग सकते हैं इसको पूरा ड्राई होने में, उसके बाद ही आपको पील करना है। फ्रेंड्स मैंने तो दोनों ही यूज़ किए हैं और मुझे दोनों ही काफ़ी सूटेबल लगे ये। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं कोई भी पील ऑफ मास्क तो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। और टीनेजर भी इस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क है, इसको यूज़ करना है आपको जब आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में, किसी सामने बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और आपने बहुत टाइम तक कोई फेशियल नहीं कराया है, तो एकदम फेशियल लुक आपको जो चाहिए वो आपको गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क से मिलेगा। क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा ग्लो एकदम आ गया क्योंकि इसमें गोल्डन पेटल्स का यूज़ किया। और अगर आपको आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है या आप टीनेजर्स हैं, पिंपल्स की वजह से आपके जो बहुत ज़्यादा निशान हो गए हैं पिंपल्स के और पिंपल्स आते रहते हैं आपको, तो आप की स्किन बहुत ज़्यादा काली हो गई है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डल दिखाई दे रही है, तो आप हिमालय का टैन रिमूवल जो ये पील ऑफ मास्क है वो यूज़ करेंगे। आज का जो ये वीडियो है मैं यही एंड करती हूँ। करना ये है सिर्फ कि आपको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको जो बेल बटन है उसे दबाना है, सब्सक्राइब करके जाना है, जो मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं उन तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नए DIY के साथ, नए ब्यूटी के साथ, नए हेल्थ के साथ। बाय।